So boys and girls, welcome to my new vlog. हम पापा से जी को न्यू दासू vlog के साथ हैं आज. ठीक है, एक्शन बदल दे सबसे पहले. So मैं कह रहा था यार, मैंने ना पिछले दो दिन से जीरो vlogs बनाए, but मेरे पास स्टॉक पड़ा था, इसलिए हर रोज वीडियो आई, शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो. ठीक है, क्या बताओ यार, मैंने बोला आज व्लॉग नहीं बनाया तो हो गया भाई जी काम. कल के लिए शॉर्ट्स तो डाल दूंगा ऐसे तैसे, बट आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने मर धड़ के चालू कर दिया. क्योंकि भाई आप बहुत ज़्यादा काम था, कल का पूरा दिन लाइट नहीं थी तो मैं रूम के अंदर ही नहीं आया, और मेरे भाई कल का दिन, पता है कल दिन की लाइट थी ना, मैंने रात को मोबाइल चार्ज नहीं किया, सुबह उठा लाइट ही नहीं भाई जी बोर्ड के अंदर, फिर भाई जो पूरा दिन लाइट नहीं आई, शाम को 7 बजे लाइट आई. ठीक है भाई, कल बहुत कुछ हुआ सच बोलूँ तो. क्योंकि मेला था ना अपने गांव के अंदर, जतरा बोलते हैं हमारे उधर, जतरा थी वो, इतना कुछ था वहाँ पर, इतनी सारी लड़कियाँ, सॉरी इतने सारे लोग आए थे वहाँ पर, क्या ही बताऊँ मैं. पर मेरा मोबाइल डेड था सो किसी काम का नहीं हुआ वो टाइम, बट इट्स फाइन, नाउ इट्स अलाइव एंड वी आर गुड टू गो, लेट्स गो. आज मैंने अपना माइक वाइक सब कुछ सेट कर दिया, माइक ही देखना और कुछ मत देखना, और जंक फूड नहीं है, जस्ट सेइंग जंक फूड नहीं है, हम जंक फूड नहीं खाते. सो मैं कह रहा था आज माइक वाइक सेट कर दिया, क्योंकि अब से अपन स्ट्रीमिंग चालू कर देंगे वापस. ओ माई गॉड, डिस्क्रिप्शन में लिंक के गेमिंग चैनल का जाओ, सब्सक्राइब करो जल्दी से, लेट्स गो, चलते हैं अभी. सो बॉयज एंड गर्ल्स, अपना गोवत ला के रख दिया अपन ने, और अभी अपने को मतलब एक और पेंडिया उसको ला के डालना है, फिर अपना गायों का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ही काम है, और थोड़ा सा गोबर खींचेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चिखल कर दिया है अभी. और ये देखो भाई जी, टोन गए, टोन का मतलब ही इज़ अ बॉय, हमारे इधर भैंस के बच्चे को लौंडा होता है ना, उसको टोन का बोलते हैं, टोन का मतलब लड़का, एंड ही इज़ रियली हेल्दी, खाता पीता सोता. और पता है भैंस की जो जीभ होती है ना, बहुत मुलायम होती है, और इनकी जीभ सैंड पेपर जैसी होती है, एक बार चाट ले ज़िंदगी भर ना भूलोगे भाई. बारिश होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत गर्मी है भाई जी, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब कुछ भी बोला, दिल्ली विल्ली में जो गर्मी है ना उसके मतलब उसके उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ना ऐसी गर्मी पड़ती नहीं है, पता है यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल सा मौसम रहता है, कि धूप है और पसीना आएगा पर तुमको इतना गर्म नहीं होगा. और पर आज भाई साहब जो गर्म हो रहा है, मतलब रूम मतलब ओवन बन चुका है, ओवन सीधा डोसे बनाएंगे उस ओवन के अंदर, अभी क्या बताओ, सबसे ज़्यादा हालत इसकी ख़राब होती है, सारा धूप में तपता रहता है पूरा दिन, मजाक कर रहा हूँ, शेड की छाव रहती है, शाम के टाइम पे चली जाती है, पर शाम के टाइम पे मौसम ठंडा सा हो जाता है, समझ रहे हो. चलो आ जाओ, ज़्यादा बकदोनी नहीं करते और काम ख़त्म करते अपना जल्दी से, देख रहे हो उसको भूख लगी, आज पापा घर पे नहीं है ना तो इनको खाने के लिए नहीं मिला आज लगता है, वैसे तो अभी नहीं, इनको वैसे तो 5 बज ही चुके हैं, क्या पता पापा को फ़ोन करके पूछूंगा, इनको खाने के लिए डालना ही नहीं डालना होगा तो विल जस्ट इग्नोर दे. देखो कितना प्यारा है, मोटू 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 मोटू, ये एक प्यारा है और ये एक प्यारी है, क्यूटी पाय क्यूटी पाय. पर मुझे लगता नहीं इसने अपनी रस्सी तोड़ ली, इसके पास ना दूसरी रस्सी थी, यहाँ पर बड़ी हो चुकी है ना अभी, ये अभी बड़ी हो चुकी है, बिग एंड स्ट्रांग हो चुकी है ये, और इसके सींग भी फूटने चालू हो गए, पता है यहाँ पर फील हो रही है एक सींग, और यहाँ पर एक सींग फील हो रहा है यहाँ पर. बट गायों का क्या सीन होता है ना, गायों के सींग नहीं उगने देते, जैसे कि देखो ना इसके सींग नहीं है ना, क्योंकि इनके सींग उगे ना फिर वो कहीं पर भी अटक जाते और टूट जाते, फिर एक बार सींग टूट गया ना इनको बहुत दर्द होता है, जब अपना इनके सींग ना अपने नाखून जैसे होते हैं, अपना नाखून अपन काट सकते हैं बट उखड़ गया ना बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उखड़ने के बाद, वैसे होता है, इसलिए ना रॉड होती है, रॉड से इनके जो सींग जहाँ पर निकल रहे हैं ना उस सींग को दबा देते हैं, समझ रहे हो, फिर इनके सींग नहीं उगते, और वो प्रोफेशनली करते हैं ऑब्वियसली भाई, अपन नहीं करेंगे, इस गुड़िया को अपन चोट नहीं पहुँचा सकते बिल्कुल भी, मैंने तो बोला था नहीं करना, बट बस सींग टूटने के बाद इनको और दर्द होगा फिर, समझ रहे हो, इसलिए मैंने फिर बोल दिया ठीक है कोई दिक्कत ना है कर लेंगे. भैंस के नहीं करते वैसे, क्योंकि भैंस के सींग ऐसे, ज़्यादातर भैंसों के सींग ऐसे होते हैं ना, देखो तीन टाइप के भैंसे होती है, एक ये भैंस गावरान भैंस बोलते हैं इसको,
और इसकी इसकी इसके सिंगे ऐसे गोल गोल, मतलब समझ रहे हो, ऐसे नॉर्मल सी जो होती है ना भैंस, उनके सिंग ऐसे होते हैं। और सबसे अच्छी भैंस होती है ये। इसका दूध मतलब इसका अपने दही दही जमाया ना और दही खाया, ऐसा लगता है प्योर तूप खा रहे। और ये थोड़ी सी गुस्सैल है, नो डाउट। देखो रस्सी तोड़ के अंग पे आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। और दूसरे दूसरे टाइप की भैंस होती है जो हरियाणा साइड बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो होती है उनके पूछ मतलब ऐसे सिंग होते हैं ना उनके, गोल गोल होते हैं ऐसे चक्री के तरह, जो चक्री होती है ना उसके तरह। और तीसरे टाइप की भैंस होती है उसका मुझको नहीं पता बिल्कुल भी, पर भाई गोल गोल वाली है ना भाई, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसलिए ना, हाँ वो मर जाते हैं कभी कभी, समझ रहे, पेट से बाहर निकलते समय। और हमारे इनके पास थी ना दादाजी और उनके पास उनका बच्चा मर गया। सबसे अच्छी भैंस है भाई, इनका दूध बहुत प्यारा होता है पर गुस्सेल भी उतनी होती है, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब ये ऐसा है कि भाई दादाजी और मेरे पापा इन दोनों को ही दूध निकालने देती है, बाकी किसी को बैठने भी नहीं देगी, मारेगी अलग। और डॉक्टर आ गए ना फिर तो भाई जी डांस करने लग जाती है। चलो ये रस्सी तोड़ दी ना, दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, मैं जल्दी से गोबर को साफ करता हूँ, ऐसे मतलब साइड कर लेता हूँ जिससे कि ये बैठ सके वापस। और पापा से पूछते हैं इनको पानी वानी पिलाना है, नहीं नहीं पिलाना होगा तो आई एम गुड टू गो, लेट्स गो। सो भाइयों अपन ने किया अभी यहाँ पर भैंस और गायों को अपने खाने के लिए दिया, छुटकी को भी दिया, देख रहे हो बैठ के खा रही है आराम से। भैंस और गाय खड़ी हो चुकी है, खा रहे हैं सारे के सारे आराम से, अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ओके, इनको खाने के लिए डाला। और वो बकेट देख रहे हो, उस बकेट के अंदर पेंट है, पेंट मतलब जो जैसे कि मूँगफली होती है, मूँगफली का तेल निकालने के बाद जो बचता है ना उससे गायों का पेंट बनाई जाती है। उसको पानी के अंदर वो करके रखो, भिगो के रखो, फिर वो फूल जाती है, फिर उसको उसको और वो जो आटा होता है ना, जो प्रोसेस आटा होता है जो वेस्ट के इसके अंदर आता है, वो गायों के लिए उसके लिए वायरलिस बोलते हैं हमारे इधर, वो होता है प्रोसेस आटा बोल सकते हैं। कैसे बताओ अभी, जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ के छिलके है ना, उससे उससे बनता है वो, मतलब वेस्ट नहीं बोलेंगे एक तरीके से, इनके काम ही आ रहे हैं, इनके खाने के लिए होता है, उससे ना दूध दूध बढ़ता है। उसका क्या सीन होता है ना, केमिकल नहीं होता और गायों के लिए पौष्टिक होता है, जैसे अपने लिए नहीं क्या प्रोटीन वोटीन होता है, वैसे उनके लिए होता है प्रोटीन जैसा। चलो गाय वाय खा रही है, अपन ने इतना किया है अभी, अभी अपने को कैंपर भर के लाने हैं घर के पीने के पानी के लिए। कैंपर मतलब अपने भाई का ही फिल्टर है, उससे अच्छा है, मतलब फिल्टर है उधर, और जार लेके आते, क्यों घर पे भी हो सकता है पर फिर बॉटल्स को फ्रिज में रखना पड़ेगा और फ्रिज के पानी से होता है सर्दी। और उधर कैसे होता है, उधर ना कूलर लगा हुआ है ना, तो वो पानी एकदम ऐसे घुल मिल जाता है, फिर उससे सर्दी नहीं होती जल्दी, समझ रहे हो। चलो चलते हैं जल्दी से, अपन अपना काम ख़त्म करके आते हैं, अभी पानी पानी लेके आते हैं, इन शॉर्ट लेट्स गो। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अपन आ चुके हैं अभी खेत के अंदर, देख रहे हो जो नज़ारे दिख रहे पहाड़, मतलब ये पहाड़ आई डोंट नो क्यों पर मोबाइल के अंदर बहुत दूर दिखते हैं, पर है बहुत पास, इट्स रियल ब्रो, बहुत ज़्यादा पास है यार, क्या ही बताओ यार, ये पहाड़ क्या ही दिख रहा है अपनी आँखों से, ओ माय गॉड ब्रो। कैमरे के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई जी, रिकॉर्ड। और हवा देख रहे क्या चल रही है, ओ भाई उसको दिखा दो रुको, ये देखो भाई जी क्यूटनेस इंटू 1500 है, ये देखो इधर ये पहाड़, ये पहाड़ पता है क्या क्या कैसे दिख रहे हैं मेरे को, मेरे आँखों से इतना पास दिख रहे हैं मेरे आँखों से मुझको, मुझे पता है एकदम क्लियर, 4K 4K नहीं अल्ट्रा 8000K इतने अच्छे से दिख रहे हैं, पर मोबाइल से भाई जी बहुत दूर दिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये अपना है, ये लगाया है क्योंकि भाई जी इतनी धूप पड़ती है कि पाइप भी ना बच पा रहे, पाइप भी ऐसे एकदम फुसके से हो जाते हैं और फूट जाते हैं फिर। चलो जल्दी से इसको अपन ऑन करते हैं, ऑन ऑन वही ऑन, पहले रेड बटन देन ग्रीन बटन देन ऑफ एंड ऑफ, लेट्स गो चकावत। और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर चिपक गए तो छूटने की नो चांस ब्रो, डायरेक्ट डेथ ही है फिर तो लाइफ के अंदर। चलो आपको मिलता है अभी सीधा नेक्स्ट क्लिप में, बाय बाय, सी द सनसेट। सनसेट होने नहीं वाला, होता तो बहुत मज़ा आता देखने में। चलो आपको मिलता है नेक्स्ट क्लिप में। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स अभी इनको पानी पिलाने का टाइम आ चुका है, बाय। इसको पानी पिलाते सबसे पहले, गाय बहुत पानी पीती है,
सबसे पहले गाय को पानी पिलाते, ले ओ शाबाश पी ले, बहुत दूध दे, करोड़पति बना दे। या अपनी बछड़ी, इसको भी थोड़ा पानी रखेंगे। भैंस इतना पानी नहीं पीती, सबसे ज़्यादा पानी गाय पीती है पता है हमारे घर पे। वैसे तो इसकी बाल्टी जो है ना वो दूसरी है, पर अभी इसके अंदर एडजस्ट करनी पड़ेगी इसको, अभी इसके अंदर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी बाल्टी वो वाली जिसके अंदर मैंने पेंट रखी है ना, वो वाली बाल्टी इसकी, अभी तो इसको इसके अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। यू नो टू एडजस्ट यू डमैस, माफ़ करे भाई जी, माफ़ करे। चलो आपको इनका पानी वानी पिला के आपको वापस मिलता हूँ, ठीक है, लेट्स गो। ये देखो भाई, ये मतलब इनको इनको पानी रखना मतलब सर दर्दी है, देख रहे हो पूरा पानी गिरा दिया भाई। मुझको तो ये समझ नहीं आता भैंसे जो होती है ना इनको प्यास क्यों नहीं लगती भाई, देख रहे हो। गाय मतलब पागल हो रही है पानी के लिए, और ये बछड़ा पानी नहीं चाहिए। सुबह पापा पिला के गए थे, उसके बाद इनको पानी नहीं पिलाया पता है, मतलब शाम को पिला के गए थे और अभी सारा पानी गिरा दिया। मतलब यार भैंसों का थोड़ा सीन गलत ही होता है, दूध बहुत ज़्यादा देते हैं और वो पौष्टिक दूध देते हैं, पर साले इनके नखरे बहुत होते हैं। अब देखो ठीक है, अब देखो क्या 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 करेगी ये। अब पी रहा है, देख रहे हो, अब पी रहा है। अभी इसको मैंने पानी पानी नहीं रखा होता तो क्या खत्म, नो वाटर जब तक पापा नहीं आते। नखरेला है बहुत ज़्यादा। चलो लगता है गाय का हो गया, इसका होने के बाद अपन भैंस को पिलाएंगे पानी, उसके बाद बछड़े को पिलाएंगे। पता है बछड़े ने अपनी रस्सी तोड़ दी, नहीं बताया था ना मैंने, उसके पास वो वाली रस्सियाँ थी, वो लटकी है ना जिससे मैं गवत लेके आता हूँ, वो वाली रस्सियाँ बांधी थी उसके गले में। पर भाई बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तोड़ दी। लाइटें देख रहे हो, लाप लूप हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भाई एंड गर्ल्स। सूरज मामा भी बहुत ज़्यादा ही सर पे चढ़ चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं, क्या ही बताएं। चलो आपको इनका सब कुछ ख़त्म करके मिलता है वापस। देख लो कैसे पी रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी है यार ये। इसको किसी की नज़र ना लग जाए इसलिए उसको अपन गारा करुआ डवा देंगे। भैंस ने पीना चालू कर दिया और वो देखो बेशरम साला, उसने वापस गिरा दी बकेट। गाय सबसे ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा भूलिगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसका बछड़ा भी वैसा ही है, नहीं बस ये गाय से थोड़े ज़्यादा एक्टिव है, देख रहे हो ये नखरेल बहुत है, बहुत ज़्यादा नखरेल है। यहाँ पर ना इसको बांधने में डर लगता है क्योंकि लेने नीचे कुछ ना कुछ चबाती रहती है ना, वायर ना चबा ले क्योंकि वो वायर के अंदर है करंट, छुटके सीधा मर जाएगी वायर को चबाया तो। चलो बताए, मैंने बोला था मैं इनको पानी पिलाने के बाद आपको वापस मिलता हूँ, पर भाई तीसरा क्लिप है, तीसरा अभी एंड ही कर देंगे। चलो मैं तो छुटकी को दिखाने के लिए मैंने वो किया था उसको पीना पिलाने दे, क्योंकि लोग उसने ब्रेक ले लिया ना वापस, पानी नहीं पिएगी वो। चलिए देखो इसका इसके सर पे हाफ हार्ट है, ठीक है, इसके सर पे फुल हार्ट है भाई। इसके फोरहेड पे हार्ट है यार, इसके सर पे आधा है और इसके सर पे पूरा का पूरा है। चलो आपको मिलता हूँ अभी नेक्स्ट क्लिप में, वो देखो कैसे चाट रहा है। चलो गाइस अपना गाय को पानी, खाना पानी सब कुछ हो चुका है, डन हो चुका है। कैसे सीन होता है ना, खाना डाला ना इनको, खाना डालने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद इनको, मतलब इन्होंने खा लिया ना, खा लेने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद इनको पानी पिलाना होता है, नहीं तो ना ग्रोथ चालू कर देते। ग्रोथ मतलब वो ऐसे जैसे नहीं कि अपन चिंगम खाते हैं, ऐसे मुँह चलाते रहते वैसे चलाते हैं मुँह, समझ रहे हो, खाना पचाने के लिए अपना। सो वही है, फिर इनको पानी वानी पिलाया अभी, और मैंने गाय को बाहर लगे बांध दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो गंदगी कर देती है ना, उसके ऊपर ही बैठती है, फिर इनको बीमारियाँ होती है, इसलिए ना यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दी है। देख रहे हो पानी पड़ा है ना उधर साफ़ सफाई कर दी, गाय को बाहर लगे बांध दिया, बछड़े को यहाँ पर बांध दिया, क्योंकि वहाँ पर ना वायर है ना इसलिए डर लगता है, पूरा दिन नहीं बांधना चाहिए। और सन भी नीचे जा रहे तो ये भी यहाँ पर खुश रहेंगे, कोई दिक्कत ना है यहाँ पर, ठीक है। चलो आपको मिलता हूँ अभी सीधा नेक्स्ट क्लिप में, बाय बाय। गाइस अभी आपको मिलते हो सीधा कल, ठीक, रात हो चुकी है, नहा वहा लिया मैंने एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, अभी बस खाना खाना है और सोना है, मुझको बहुत नींद आ रही है। चलो आपको मिलता है अभी कल सुबह सीधा। बॉयज एंड गर्ल्स गायों को चारा पानी हो चुका है, उनको अपन ने कर थोड़ी कढ़ाई डाली और गायों को, उसके बाद उन्होंने 15-20 मिनट के बाद पानी पिलाया, 15-20 मिनट के बाद ही पिलाना चाहिए। इंसानों को भी खाने के बाद सीधा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो इट्स पॉइजन, यू नो यू कैन डाई। चलो आज बहुत हवा चल रही है, पर गर्म हवा है क्या है बताए। वो देखो भाई जी सूरज मामा, ओए होए
जो लग रहा है भाई आंखों से अलग ही लग रहा है, बता गोल्डन लाइट कमिंग फ्रॉम स्काई। लेट्स गो, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। अभी मी तो म्हणतो शोधायचं चालू करा, भेटनच ना मग तवर। बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर एट माउंटेन्स। भाई साहब देख रहे हो, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, माउंटेन्स भाई, बादल आ रखे, बहुत ठंडा मौसम है जी, लवाला ठंडा हो रखा है भाई जी। क्या बोल रहा है मुझको समझ ही नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं ना अभी वीडियो एंड कर दूँ, ठीक है, रात हो चुकी है, और अभी इसके बाद तो मैं बस अपने रूम के अंदर जाऊँगा, नहाऊँगा, एडिटिंग के लिए बैठूँगा और वही दिखाऊँगा, और कुछ नहीं। सो आइल से अभी अपन एंड करते हैं, अपने मुँह नहीं दिखा रहा बिकॉज मुँह भी अंधेरे में आएगा, और तो कुछ है नहीं। अपने पहाड़ के पास अच्छी सी ज़मीन है, उस तरफ किसी का घर नहीं है, इधर घर है अपने अक्का का। पहाड़ पूरे सुने पड़े अभी, अभी यहाँ पर आया था मैं बोर चालू करने के लिए, बोर है देख सकते हो, पोल है, ठीक है। अभी मैं आपको मिलता हूँ कल, बाय।